किए हैं, तो फिर क्यों नहीं इस चाय प्रथा को छोड़ रहे हैं मोदी जी? नाम चेंज कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर हम ये कर देंगे, लेकिन वीआईपी कल्चर देखो ना, ओपीएस में जो कर्मचारी 60 साल इस देश को देते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के, यहां तक कि जवानों की पेंशन बंद कर दी गई, आज 10 साल में मोदी जी उस पर क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? अगर वो जवानों की पेंशन बोझ है, तो फिर इन नेताओं की पेंशन पर क्यों नहीं देशभक्त सरकार से एक शब्द भी फूटता है? एक नेता, जो छोटा सा नेता होता है, धीरे धीरे एक साइकिल पर चलने वाला नेता फॉर्चूनर पर चलने लगता है, जो एक अधिकारी जिसकी सैलरी का आप देखोगे, उस सैलरी से हजारों गुना प्रॉपर्टी खड़ी कर देता है, वो क्या है? उस भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं मोदी जी एक शब्द भी बोलते हैं? शुरू शुरू में तो जरूर आया था, कर्मचारी हैं, लगातार मैं देखता हूं उनकी जो सोशल साइट है उन पर ओपीएस का कर रहे हैं, ओआरओपी का कर रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन का, एमएस पे, सब कुछ चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग लिख रहे हैं कि वोट तो मोदी जी को ही देंगे, तो कैसे होगा? तुम सालों भर धरना देते रहो, हाउलर करते रहो, लेकिन वोट इसी सरकार को देखो तो सरकार तो खुश है ना भाई, सरकार तो ये सोच रही है कि इसके निर्णय सही है, देश हित में है। तो हम सिर्फ अपनी संख्या गिनाने के लिए मोदी जी को बोलते हैं, बहुत से लोग कि मोदी जी को पता नहीं है चीजें, तो मोदी जी को ही बताने के लिए उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के सामने खड़ा होकर हम सिर्फ ये चीजें, जहर जय भारत वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, साथियों जो मैंने घोषणा की है कि मैं 2024 में मोदी जी के खिलाफ वाराणसी शिव की नगरी काशी से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे भी पता है कि मेरे जैसा एक साधारण जवान मोदी जी के सामने एक तिनके के बराबर है, लेकिन वो तिनका तिनका जोड़कर आज जवानों को जो समूह मैंने खड़ा किया है, जो 7 लाख लोग मेरे से जो जुड़े हुए हैं, उन सब की इच्छा को लेकर हम मोदी जी से टकराने जा रहे हैं, और ये तिनका तिनका अगर जुड़ गया ना, तो हम हिमालय की तरह एक पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, जिस हिमालय के सामने मोदी जैसी आंधी भी टकराकर अपना रुख मोड़ेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि जो हम तिनके तिनके जोड़ रहे हैं, उन तिनकों के बीच में से कुछ निकल जाए। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक हिमालय की तरह जब हम खड़े हो जाएंगे, उस समय हमारे बीच से कोई निकल कर, उस समय गद्दारी नहीं करना कि वो आंधी हमारे बीच से पार हो जाए। साथियों, मेरा मकसद कोई प्रधानमंत्री की गद्दी या चुनाव जीतना या मोदी जी को ये करना नहीं है, लेकिन जब किसी के अंदर घमंड हो जाए, मोदी सरकार के अंदर आज इतना घमंड हो चुका है कि उसने सबसे बड़ा जो देश का ताज सेना है उसे कमजोर करने के लिए अग्निपथ योजना थोप दी, वो भी सिर्फ जवानों के ऊपर। आप सभी को पता है जो ग्राउंड में काम करते हैं जवान, कि इस योजना से जवानों का मनोबल टूट रहा है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे बीच हो सकता है कुछ चमचे भी जुड़ गए होंगे, क्योंकि मेरी शुरू से लड़ाई इस वर्दी की इज्जत के लिए है। बहुत से लोग इस वर्दी को पहनकर जो कुत्ते घुमाते थे ना पहले, आज रविंद्र फौजी की लगातार 5-7 साल मेहनत से आपको दिल्ली बड़े बड़े शहरों में कोई इस वर्दी में पहनकर कुत्ता घुमाने नहीं दिखता दिखेगा। आप बोलते हो ना रविंद्र फौजी ने क्या किया, रविंद्र फौजी ने आवाज उठा उठाकर, आज आप कहीं भी देखना वर्दी में कोई आपको कुत्ता घुमाते नजर नहीं आएगा। एक समय था जब हमारे समय में इनके कुत्ते घुमाना, बाजार में इनकी सब्जियां लाना, दूध की थैली इनको बच्चे में छोड़ने, आपको वर्दी में जवान मिलते थे, लेकिन आज नहीं मिलेंगे। ये ताकत रविंद्र फौजी की, ये आप लोगों की ताकत है जो आपने किया, और हम आगे भी चाहते हैं कि जो ये अंग्रेजों के काले कानून चल रहे हैं, उन काले कानूनों का फायदा उठाकर जो जवान, चाहे सेना के हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों, जो गुलामी सहायक प्रथा, घरेलू काम जो भी करवाए जा रहे हैं वो बंद हो, क्योंकि ये मोदी सरकार, लोकसभा में जब प्रश्न किया जाता है कि सहायक प्रथा बंद करो, तो बोलते हैं नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अफसरशाही और नेताओं की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। इसमें सिर्फ जय जवान जय किसान नहीं है, इसमें जय अधिकारी, जय व्यापारी और जय नेताजी, इन्हीं की जय होती है।
बहुत से हमारे ही साथी कमेंट्स करते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी ने बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं, तो फिर क्यों नहीं इस सहायक प्रथा को छोड़ रहे हैं मोदी जी, नाम चेंज कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर हम ये कर देंगे, लेकिन वीआईपी कल्चर देखो ना, ओपीएस में जो कर्मचारी 60 साल इस देश को देते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के यहां तक कि जवानों की पेंशन बंद कर दी गई, आज 10 साल में मोदी जी उस पर क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? अगर वो जवानों की पेंशन बोझ है तो फिर इन नेताओं की पेंशन पर क्यों नहीं देशभक्त सरकार से एक शब्द भी फूटता है? एक नेता जो छोटा सा नेता होता है, धीरे धीरे एक साइकिल पर चलने वाला नेता फॉर्चूनर पर चलने लगता है, जो एक अधिकारी जिसकी सैलरी का आप देखोगे उस सैलरी से हजारों गुना प्रॉपर्टी खड़ी कर देता है, वो क्या है? उस भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं मोदी जी एक शब्द भी बोलते हैं? शुरू शुरू में तो जरूर आया था कैमरे से भ्रष्टाचार दिखाओ वो दिखाओ, लेकिन आज किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप कैमरा ले दो उल्टा आप पर एक्शन होगा, आपने ही नियम तोड़ा है। किसी सरकारी अधिकारी पर आरोप लगेंगे तो उसकी जांच प्रक्रिया इतनी लंबी चलेगी कि उस शिकायतकर्ता को ही न्याय नहीं मिलेगा। तो इन सब को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऑफिस के जो कर्मचारी हैं लगातार मैं देखता हूं उनकी जो सोशल साइट है उन पर ओपीएस का कर रहे हैं, ओआरओपी का कर रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन का, एमएस पे सब कुछ चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग लिख रहे हैं कि वोट तो मोदी जी को ही देंगे, तो कैसे होगा? तुम सालों भर धरना देते रहो, हाउलर करते रहो, लेकिन वोट इसी सरकार को देखो तो सरकार तो खुश है ना भाई, सरकार तो ये सोच रही है कि इसके निर्णय सही है, देश हित में है। तो हम सिर्फ अपनी संख्या गिनाने के लिए मोदी जी को बोलते हैं, बहुत से लोग कि मोदी जी को पता नहीं है चीजें, तो मोदी जी को ही बताने के लिए उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के सामने खड़ा होकर हम सिर्फ ये चीजें रखना चाहते हैं। बाकी मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूं, ना मेरा कोई मकसद है कि भाई हम मोदी जी को ये कर देंगे, नहीं, हमें मोदी जी के सामने ये चीजें रखनी है और ये एक लीगल तरीका है। जिनको लगता है वो मेरे इस चैनल से जुड़े, मैंने जो लोकसभा का वाराणसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, हालांकि 2 या 4 दिन के अंदर ही लगभग उसमें 70 से ज्यादा ग्रुप जुड़ चुके हैं, हजारों लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन हमें संख्या लाखों में चाहिए। वाराणसी में मोदी जी की आंधी को रोकने के लिए लाखों में संख्या चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो ग्रुप बना हुआ है, जो आदमी जुड़ा है, उसका कर्तव्य है कि वो एक जुड़ा है तो 10 को जोड़े, 100 को जोड़े, इस तरह कड़ी से कड़ी मिलेंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हम तिनके अगर एकजुट होते हुए तिनकों का पहाड़ खड़ा कर देंगे ना, तो ये आंधी रुक सकती है, और यही मेरा मकसद है। बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन की आवश्यकता है। आपको लगता है कि सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए, ये अग्निपथ योजना जो आई है ये वापिस होनी चाहिए, ये इन लाखों बच्चों की जो भर्तियां कैंसिल हुई है, ये ज्वाइनिंग जो कैंसिल की है मोदी जी ने, ये होना चाहिए। नहीं तो फिर आगे आने वाले भविष्य में आपके बच्चों की जो आप ओआरओपी ढूंढ रहे हो ना, ये सेना की पेंशन भी बंद कर दी जाएगी अग्निपथ के तहत, और तुम फिर लनेरा पीटते रहना मोदी मोदी जी का। 10 साल दिए हमने मोदी जी को, हमने भी वोट दिया है, लेकिन अब जरूरत है जो सही बात है वही फिर कांग्रेस की तरह इनका भी कर दो, जैसे 70 साल की आप 70 साल इनको दे दो, फिर कोई नई पार्टी आएगी। जैसे अंग्रेज सिर्फ एक कंपनी आई थी, उसने भारत को गुलाम बना दिया था, वो कारण क्या था कि आपस में जब कुछ लोग टकराते थे तो बाकी सिर्फ नॉर्मल लोग तालियां ही बजाते थे, और आज भी तालियां ही बजा रहे हैं वो, और देश उन तालियों की वजह से पहले गुलाम हुआ था और आप इन नेताओं का गुलाम हो रहे हैं। आपको अगर ये चीजें अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और फिर कहता हूं कि मैं कोई बड़ी पावर नहीं हूं, अगर आपको ये लड़ाई मजबूती से लड़नी है तो ये मेरा नंबर है 8290-35-45-13, ये मेरा व्हाट्सएप फोन पे पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप चाहो तो अपनी इच्छा अनुसार, जैसे तिनके तिनके हम जुड़ रहे हैं वैसे बूंद बूंद से, अगर हमारे पास आर्थिक सहयोग हुआ तो हम इस लड़ाई को, लड़ाई के लिए जो बड़े बड़े पोस्टर बैनर और रैलियां करनी है, वो भाई रविंद्र फौजी, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास इनकी तरह हुकुम नहीं चलते कि पार्टियों को बोलेंगे तू एमपी लिया, एमएलए लिया, डेलीगेट लिया, वो हमारे पास नहीं, हमारे पास आप और हम ही हैं, और हम मिलकर ही आप लड़ाई लड़ेंगे। तो जिनको लगता है सहयोग करें, सहयोग नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करें, कुछ नहीं कर सकते तो जुड़े हुए तिनके में से छेद बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो गुलाम है ना, जिन्हें आदत पड़ चुकी है, वो कह रहे हैं कि उनसे चाहे तुम कच्छा धुलवा लो चाहे कुत्ते घुमा लो, कहते सिर्फ पेमेंट बढ़ा दो, उसी के लिए लड़ रहे हो, तो वो जरा दूर रहे। जब तुम्हारा सम्मान होगा, बराबर का दर्जा मिलेगा, तुम्हारे भी बंदे ऊपर होंगे तो ही तुम्हारी आवाज उठेगी, नहीं तो फिर एक तरफ तो विरोध और एक तरफ ठपके वोट मारोगे।
तो भैया कुछ नहीं होगा। जिनको लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े और आर्थिक सहयोग करें। आर्थिक सहयोग के लिए अगर फोन पे और पेटीएम का कोई यूज नहीं करता है तो मेरा नंबर है 612-642-33-600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से, आप इसके माध्यम से भी मदद कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लड़ाई तन मन धन सब चीजों से लड़ी जाती है। अगर आप वास्तविक में साथ हो तो सब चीजों में जिसकी जैसी भागीदारी बनती है मदद करें। और ये 2024 की लड़ाई, अगर हमने इस अकेले आदमी को कंट्रोल कर दिया तो पूरा देश कंट्रोल होगा और जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। हम अपना हक मांग रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी मांगे हम फ्री का नहीं मांग रहे हैं। और फिर कह रहा हूं देशवासियों को कि अगर आप आज 5 साल में सिर्फ फ्री के चीज पर वोट दोगे तो अगले आने वाले समय में आपके बच्चों के ऊपर वो प्रहार होगा, फिर याद करोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।